गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और मैं ना सुबह से बहुत तेज़ से पेट में दर्द हो रहा था, तब से मैं थोड़ा लेटी हुई थी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना दर्द हो रहा। फिर अभी जब जैसे ही थोड़ा सा मुझे आराम मिला है तो मैं यहाँ पर ये मलाई है इसको फेंट रही हूँ, क्योंकि ये देखिए काफ़ी टाइम से मैं मलाई घी निकालने का काफ़ी टाइम से घी निकालने के लिए सोच रही, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं घी नहीं निकाल पा रही। और ब्लॉग भी पता शूट करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी दिन मेरा ब्लॉग स्किप हो। मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू मैं ब्लॉग करती रहूँ अपना, तो जैसे हो पाएगा वैसे मैं शेयर करूँगी। और बीच बीच में आप लोग प्लीज कॉमेडी वीडियोज़, फनी वीडियोज़ और प्रैंक वीडियोज़ भी लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मेरी अभी मैंने 2-3 दिन पहले प्रैंक वीडियोज़ बनाई हैं, एक दो, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा। और आप लोग कमेंट में ना मुझे अपनी आइडियाज़ भी दिया करिए कि मैं किस तरह का प्रैंक करूँ, तो मैं कोशिश करा करूँगी वैसा प्रैंक वीडियो बनाने की। तो चलिए अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ काम, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना। और अभी मेरे मुंह भी नहीं धुला है, तबीयत ठीक नहीं लग रही अभी, ऐसे ही बस कुछ नहीं किया है, बाल वाल कुछ नहीं खाड़े, बाद में देखती हूँ। बस अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, और फिर देखते हैं क्या क्या शेयर करती हूँ। इधर बना रही हूँ मैं घी, मतलब घी नैनी निकाल रही हूँ, उसमें से घी निकाल रही हूँ नैनी में से, सॉरी। तो मैंने नैनी निकाल ली थी मलाई से, और अभी निकाल रही हूँ मैं इसमें से घी व्रत के लिए। और यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि सर में हो रहा बहुत तेज़ से दर्द मेरे, तो ये मीडियम आंच पे बनता रहेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। ये देखिए घी अलग हो रहा है, और ये जो चूरा है इसका वो अलग हो रहा है, देख सकते हैं। मेरी जी क्या है जी? न्यू आरुषि है, देखो ये आरुषि है। अरे ये लल्ला, लल्ला आरुषि को रख ले। नहीं है? क्यों नहीं आरुषि को रख ले रहे हैं? नहीं। अरे ये एक आरुषि है, कहाँ आरुषि कहाँ है? अरुषि कहाँ? थूक रही है, थूक रही है। अरे पास आ गई, पास आ गई। अरे 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 अरुषि, इसे लल्ला ओ वहाँ छोड़ जा, लल्ला और जय इसको इधर। हाँ अरुषि को रख ले रहे हैं, और लल्ला तो मैं बाबू डर रही है। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, तुम उनके साथ चले जाओ। मोबाइल से बहुत डर रही है, मोबाइल से डर नहीं रही, देख रही है। सीताराम भैया मत जी लेके आ रोड़ी की भाई, हैं सीताराम भैया जी लेके आ रोड़ी भाई, ये सत्य बोल रहा हूं कि लाइन है भाई, ज्यादा नहीं चाहिए। सीताराम को उधर बनाया है मकान, वो इलाहाबाद रोड पे फाटक पास सीमा बोलता, सीमा मैं देख के आया उस दिन, मिला था मैं नर्सरी गया था मैं। सीमा तो बोलते हैं ना, सीमा है सीमा नाम है ना, सीताराम, सीताराम भी सीमा भी कहते हैं। ये हिलेगा अपन भाई, तो यहाँ पे ना पंखा लग रहा है ये वाले रूम में, और पंखे जब ये न्यू घर बना था ना अभी, तो यहाँ पे पंखे वगैरह अभी नहीं लगाए थे, क्योंकि उस समय जाड़े का टाइम था। अभी ये मार्च का महीना चल रहा है तो थोड़ा गर्मी होने लगी है ना, तो इस वजह से फिर पंखा यहाँ रूम में लगवा रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है।
तो कई दिनों से मैं सोच रही थी, इनसे बोल रही थी कि बुला लो, किसी को बुला लो, तो ये लगवा ही नहीं रहे इतने दिनों से। तो फिर भाई को मैंने बुलाया, तो ये मेरा भाई आया है पंखा लगाने, तो वही सब कर रहा है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं भटूरे, मैंने रात बनाए थे छोले भटूरे, तो थोड़ा सा मैदा जो था वो मैंने बच गया था, रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आज भटूरे पैक कर देती हूँ टिफ़िन में। तो छोले भटूरे टिफ़िन में पैक कर रही हूँ बच्चों के लिए, तो बस गरम गरम भटूरे जो हैं वो फ्राई कर ले रही हूँ, मतलब तल ले रही हूँ, बना ले रही हूँ, तल ले रही हूँ, जो भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने गरम गरम भटूरे बना लिए हैं और बच्चों के लिए रख दूँगी। थोड़े से चिप्स फ्राई करे थे, मतलब सॉरी भुने थे चिप्स, और कचरी भुनी थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सुबह नाश्ता करके जो गए ना, तो मैंने कहा लाओ चिप्स चाय के साथ खा लेंगे। और मैंने कहा भटूरा खाते तो वो भी खा लेते, लेकिन नहीं खाए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने रात में खाया था ना। तो बस यहाँ बच्चों के लिए बन गए, तो बच्चों के टिफिन में रख देती हूँ मैं ये। नन्नू पुन्नी टिफिन जो तुम्हारा है और जो नन्नू का है, हाँ कहाँ है नन्नू, खा लिया? क्या खा रही हो? जल्दी जल्दी फटाफट खाओ, ती बाल काट दे, चोटी बना दे। ये देखो लल्ला ने चिप्स नहीं खाया अपने, खाओ चिप्स। चाय पी ली? फेंको नहीं, दीदी खा लेगी। और ये तुम्हारी बोतल है, एक नन्नू की, एक नन्नू की, एक तुम्हारी है। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो, फटाफट भैया जी आते होंगे। तो गाइस अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, आज है मंडे तो मेरा फास्ट है, तो अभी बस जस्ट अभी मेरा काम वगैरह निपटा है, बच्चे स्कूल गए, बच्चे को स्कूल जाने के बाद मैं अपना काम वगैरह निपटाती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, तो बस सारे में सफाई कर ली। उसके बाद कपड़े भी थोड़े थे वो धुल के डाल दिए थे, थोड़े नहीं सॉरी आज बहुत कपड़े थे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो काफ़ी लेट हो गई मैं नहाने में, तो क्योंकि काम काफ़ी फैला था, फिर पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद अब नहा कर आई हूँ। और फिर बाबू को दूध वगैरह देने के बाद अब मैं अपना जो हेयर है वो ड्राई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो सॉरी चाय मैंने पी ली है, और उसके बाद मतलब मैं खाना बनाऊँगी। तो बस हेयर देखिए मेरे ड्राई हो गए हैं, और बस आज का वीडियो कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी। तो उम्मीद है आप लोग को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।